यह बराकेट मिसाइल, इसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडिया और इसराइल के द्वारा जॉइंटली बनाया गया है। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसे डिजाइन किया गया किसी भी एयरबोर्न टारगेट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल, यूएवी, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और कॉम्बैट जेट को खत्म करने के लिए। इसे टाई अप में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। इसे 2017 से प्रोड्यूस किया जा रहा है और इसका वेट 275 किलोग्राम है और 60 किलो के वॉरेट्स को भी अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशन रेंज 150 किलोमीटर की और इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2 है, यानी कि 2450 किलोमीटर पर आवर। इसे 8 सेल VLS मॉड्यूल और लैंड लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है और इंडिया के पास ये 5 बिलियन की लागत से बनाई गई बराकेट मिसाइल है, जिसे इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के द्वारा यूज किया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि इंडिया और इसराइल को टाई अप में और वेपन्स बनाने चाहिए? कॉमेंट करके जरूर बताएं।